तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में लोग फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक्स रूट और आज है एपिसोड नंबर 94। तो इस वाले एपिसोड में मैं खाने वाला हूँ एक ओल्ड फ्रूट को और यहाँ पे मैं फ्रूट चेंज कर रहा हूँ। अभी मुझे ग्रोस फ्रूट है जो कि मैंने इवेंट के लिए खाया था, जस्ट मतलब रिवाइव फ्रूट का रिवर्क आया था, तो मैं जस्ट ये खाना चाहता था तुम लोगों को। और काफ़ी टाइम जब वीडियो आ रहा है इसमें मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे गोस्ट इवेंट चल रहा है तो इसमें हम लोग बोन फार्मिंग ईजिली कर सकते हैं, जैसे वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने इतनी सारी बोन्स फार्म कर ली हैं कि अब मुझे बोन्स की खास ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पे फ्रूट दे भी नहीं रहा है मुझे वो वाला बंदा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्रूट चेंज करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे किस्मत से फ्रूट चेंज करने का जब टाइम आया और तो यहाँ पे स्टॉक में भाई एक मतलब लेजेंडरी फ्रूट आ गया, मिथिकल, सॉरी लेजेंडरी मतलब मेरी भावना है, लेकिन असल में मिथिकल फ्रूट आया है और वो है डो। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, काफ़ी खुशी होती है मुझे डो फ्रूट स्टॉक में देख के, क्योंकि भाई इसकी बहुत हाई वैल्यू है, लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें। तुम ड्रैगन के बदले इसको ले सकते हो, उससे नीचे में तुम्हें कोई नहीं देगा। इसके बदले में शेडो और वैनम दोगे तो भी कोई नहीं देगा। बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं कि तुम्हें दे दे कोई डो फ्रूट उसके बदले में, क्योंकि भाई इसके बहुत हाई वैल्यू रखते हैं डो की, पता नहीं क्यों ऐसे, मेरे को समझ नहीं आता। बस ये आई थिंक पीवीपी के लिए काफ़ी तगड़ा होता है, बाउंटी हंटिंग के लिए। तो खाई लिया है तो इट्स टाइम फॉर सम बाउंटी हंटिंग फॉर अस नाउ। लेकिन भाई यहाँ पे बाउंटी हंटिंग के लिए अमेरिकन वर्जन चाहिए जो कि मेरे पास है। मतलब तुम लोग ने जो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो पता होगा कि जब मैं सेकंड सी में था मैंने तभी डो को अवेकन कर लिया था, तो जो कि भाई काफ़ी बड़ी बात है। उस टाइम पर मैंने सारी अवेकनिंग सेकंड सी में ही कर ली है, मतलब मैं ऑलमोस्ट 1600 लेवल पे था आई थिंक, नहीं 1600 पे तो हम लोग थर्ड सी पहुँच जाते हैं, हम लोग उससे भी कम लेवल पे थे तब हमने सारे फ्रूट्स अवेकन कर दिए थे। भाई लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो वाला। और काफ़ी लोगों ने उस टाइम पर मेरे को बोला था कि मत करो भाई अभी तुम लोग मैक्स पे रहेंगे, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था सारे फ्रूट अवेकन करने का, क्योंकि वो चैलेंजिंग हो रहा था मेरे लिए। लेकिन अभी मैं खुद सोच रहा हूँ ना, तो उस चीज़ को मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर मैंने उन बात को सुन लिया था ज़्यादा अच्छा रहता। अगर मैं मैक्स लेवल के साथ अवेकनिंग ट्राई करता ना तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान रहता, तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे मैं बाउंटी हंटिंग की ट्राई कर रहा था उन बंदों के साथ बुद्धा वालों के, लेकिन भाई यहाँ पे पिट गया मैं अच्छे से। और यहाँ पे उसके बाद में फिर एक बंदा आता है, भाई ये काफ़ी स्वीट बंदा लगता है मेरे को, और यहाँ पे मैं इसके साथ ट्रेड करता हूँ वैनम के बदले में ब्लिज़र्ड वगैरह। हालांकि मेरे लिए एल ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे इसका ग्रीन फ्रूट था जो कि तुमने पढ़ लिया होगा चैट में, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको दे दिया, क्योंकि भाई सपने पूरे करने चाहिए, ड्रीम फ्रूट है भाई का। तो पता नहीं वैसे वैनम तुम लोगों का ड्रीम फ्रूट है कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता किसी का होगा तुमने से, क्योंकि ड्रीम फ्रूट आई थिंक वैनम तो नहीं होगा, मतलब ड्रैगन और डो या लियो ही होते हैं या कईयों का बूढ़ा भी होता है। तो गाइस उसके बाद में मैं इससे थोड़ा बहुत पूछता हूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तूने, और उनको जानता कि नहीं, तो यहाँ पे इसने बोला भाई नहीं कि मैं नहीं जानता तुझे, तो काफ़ी दुख है सुन के। तो गाइस वीडियो में बस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया दिल से थैंक यू, जिन्हें क्या कर लेना, आराम से मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।